go ahead. Then. करना होगा करना होगा करना होगा प्रॉपर्टियों का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा करना होगा करना होगा अरे एक मिनट ये दिल्ली स्कूल जो देने का प्रपोजल एज पर वर्क इसको हमारे से चीज ये है दूसरा कहा है वो देव जी हलमासपेट में हलमासपेट में 423 एकड़ जमीन लैंड ग्रैबिंग की कल इंस्पेक्टर गए थे लेकिन काम में ये हलमासपेट की ये आपसे गुजारिश है एज पर एक्ट थैंक यू शुक्रिया आज बोर्ड की मीटिंग है और बोर्ड की मीटिंग चल रही है यहाँ पर बोर्ड में इरेगुलरिटीज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ आज एजेंडे में ये भी रखा गया कि वक्फ लैंड्स को टिमरीज के लिए दे दी जाए ठीक है हम भी एजुकेशन से तालीम से मोहब्बत करने वाले हैं गवर्नमेंट अगर अच्छा इकदाम कर रही है तो हम उसकी तायद करते हैं मगर जो ज़मीनात अलाट किए जा रहे हैं वो अलाटमेंट एज पर वक्फ एक्ट किया जाए वक्फ के तहत बाज़ाब्ता उसका ऑक्शन होना चाहिए और टेंडर तत्काल करना चाहिए जो जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका किराया ले जाना चाहिए और दूसरी बात चौटुप्पल के पास मस्जिद अलमासपेट के तहत 423 एकड़ ज़मीन है वहाँ मुसल्स हैं बोर्ड में कमेटियाँ मंजूर करने के वास्ते बैठे हुए हैं तौलियत के वास्ते बैठे हुए हैं एक्सटेंशन के वास्ते बैठे हैं बोर्ड मेम्बरान से मेरी गुजारिश है मीडिया के ज़रिए मैं अपील करता हूँ जाइए मैं मुतालबा करता हूँ जाकर वो अलमासपेट के ऊपर जो कब्जे हो रहे हैं करोड़ों रुपये 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो तबाह हो रही है टोली मस्जिद को जाकर देखिए किस तरह से टोली मस्जिद पर दीमक की तरह मस्जिद को ज़मीन को खा लिया गया आज उसकी कमेटी का एक्सटेंशन का हाईकोर्ट के आर्डर के बावजूद हमें सुनने आया कि वो उसको एक्सटेंशन दिया जाने वाला है आकर हम कोर्ट का आर्डर दे दिए यहाँ पर इसके बावजूद भी अगर कोई वक्फ बोर्ड की जानिब से कोई फैसला गलत दिया जाएगा तो हम शदीद एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे और हमारा मुतालबा है वक्फ के तमाम जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये टीम ये जो ऊपर बैठे हुए है बड़े बड़े तोप जाके स्पॉट इंस्पेक्शन कीजिए किस तरह से वक्फ प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल हो रहा है यही मेरा मुतालबा है अगर वक्फ एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होगी उसके तहत ज़मीनों का जो अलाटमेंट होने जा रहा है हम उसकी तायद करते हैं बट वक्फ एक्ट के तहत उसका बाज़ाब्ता टेंडर कॉल करके मार्केट वैल्यू के हिसाब से गवर्नमेंट से किराया लिया जाना चाहिए ये यतीमों की यसीरों की प्रॉपर्टी नहीं है ये ऐसा ये समझ रहे हैं जैसा बोले ऐसा खा लें इंडोमेंट की हिंदू इंडोमेंट की प्रॉपर्टी को ऐसा लेते क्या ये वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों का और मुंतखबा अवामी नुमाइंदों की भी ज़िम्मेदारी है कि वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ हो वक्फ के प्रॉपर्टियों को डेवलप किया जाए बहुत अच्छी बात है मगर एज पर वक्फ किया जाए वक्फ एक्ट किया जाए यही हमारा मुतालबा है।